पिछले वीडियो में हमने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स के कुछ एलिमेंट्स दिए हुए थे और उनसे हमने उनका ऑर्डर निकाला था। पर आज हम देखेंगे कि जब हमें एक ऑर्डर दिया हो तो हम उससे एक मैट्रिक्स कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक ऑर्डर दिया है 3x3 मैट्रिक्स का और हमें एलिमेंट्स के लिए एक इक्वेशन दिया है aij इक्वल i+j का होल स्क्वायर। अब हमें इससे 3x3 मैट्रिक्स बनानी है। तो यहाँ पर आई यूज़ हुआ है रो के लिए और जे जो यूज़ हुआ है वो हुआ है कॉलम्स के लिए, ठीक है। और हमें निकालनी है 3x3 मैट्रिक्स। तो यानी कि हम पहले लेंगे aij जहाँ पर हमारा आई और जे 1-1 होगा, तो ये हमारा पहला एलिमेंट होगा। तो जब आई और जे 1-1 होगा तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन हम 1+1 करके पहला एलिमेंट निकालेंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 पहला एलिमेंट आ गया। इसी तरह हम अगला एलिमेंट निकालेंगे a 1 2, यानी कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो इसका भी स्क्वायर हो गया। तो 3 का स्क्वायर 9। इसी तरह अगला एलिमेंट, फोर का स्क्वायर 16। ये हमारी पहली रो आ गई। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में हमारा एलिमेंट है 3 की स्क्वायर यानी 9। इसी तरह a 2 2, यानी कि सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये आ गया 4 की स्क्वायर यानी कि 16। a 2 3 यानी कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम, टू और थ्री यानी 5 का स्क्वायर यानी कि हो गया 25। अब आ जाते हैं हम थर्ड रो में। तो थर्ड रो के लिए a 3 और फर्स्ट कॉलम यानी कि 1 3 1, तो 3+1 का स्क्वायर ये हो गया 4 का स्क्वायर 16। a 3 2 यानी कि थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम का स्क्वायर ये आ गया 25। अब a 3 3 यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये आ गया 6 का स्क्वायर यानी कि 36। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें 3x3 मैट्रिक्स बनानी है। तो मान ले कि एक मैट्रिक्स है ए जिसमें 3x3 मैट्रिक्स यानी कि a 1 1, a 1 2, a 1 3 a 2 1, a 2 2, a 2 3, a 2 4, सॉरी a 3 1, a 3 2, a 3 3। ये हमारी 3x3 मैट्रिक्स है। तो अब हमने a 1 1 निकाल लिया है, 1 2 निकाल लिया और इसी तरह a 3 3 तक निकाल लिया। अब हम इसकी यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे जो हमारी वैल्यू यहाँ पर निकल कर आई है। तो सबसे पहली वैल्यू क्या थी हमारी 4, सेकंड वैल्यू a 1 2 की 9, इसी तरह a 1 3 की वैल्यू थी 16, a 2 1 की वैल्यू 9, फिर 16 25, और इसी तरह a 3 1 की वैल्यू थी 16, 3 2 की 25 और a 3 3 की 36। सो गाइस, जब हमें कहा गया हो कि हमारे पास 3x3 मैट्रिक्स या
2×3 मैट्रिक्स और किसी भी तरह का ऑर्डर दिया हो और हमें एक इक्वेशन दी हो एलिमेंट्स की कुछ इस तरह की, या वो कुछ इस तरह भी हो सकती है, ए आई जे इक्वल टू वन आई प्लस जे अपॉन टू, तो हम इस और हमें कंस्ट्रक्ट करनी हो 2×2 मैट्रिक्स, तो हम इसी मेथड के जरिए जिस तरह हमने इसको सोल्व किया है, आई जे की 2×2 मैट्रिक्स है यानी कि उसमें एलिमेंट्स होंगे ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन और ए टू टू, ये एलिमेंट्स होंगे। तो हम उनकी वैल्यू आई यानी कि रो और जे यानी कि कॉलम, तो जब ए वन वन की हो तो आई यानी कि वन है और जे टू, जे भी वन है तो वन वन प्लस टू, तो उस तरह निकल जाएगी हमारी फर्स्ट एलिमेंट। जिस तरह हमने यहाँ पे दिया हुआ था ए वन वन निकाला तो हमारा ये आया, ए वन टू का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो हमारा उसी तरह सेकंड एलिमेंट आ गया। इसी तरह हम कोई भी ऑर्डर दिया हो तो हम एक नई मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, चाहे वो हमें किसी भी ऑर्डर की दी हुई हो, बस हमें ध्यान रखना है कि वो कितने ऑर्डर की है और उसकी कैलकुलेशन ध्यान रखनी है अकॉर्डिंग टू इस इक्वेशन के। सो थैंक यू, अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इसी चैप्टर से जुड़ी और वीडियोस देख सकें।